नमस्ते बच्चों, जैसा कि पिछली क्लास में हमने आपको मैत्री शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य साकेत के अष्टम सर्ग की व्याख्या बता रहे थे, जिसमें सीता जी का के आदेश का पालन करके लक्ष्मण जी स्वर्ण कुटी में प्रवेश करते हैं और वहां पर उन्हें एक हल्की सी छाया सी प्रतीत होती है, दिखाई देती है। लक्ष्मण सहसा कुछ देर के लिए एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ये उर्मिला की काया है या उसकी एक छाया मात्र सी है। तो इस तरह से पिछली क्लास में हम लोगों ने व्याख्या पढ़ी थी। अब चलिए उसी कड़ी में आगे फिर हम देखते हैं कि मेरे उपवन में हरिण आज बनवारी, मैं बांध न लूंगी तुम्हें तजो भय भारी, गिरे पड़े दौर सौमित्र प्रियापद तल में, वह भीग उठी प्रिय चरण धरे द्रग जल में। देखिए, सबसे पहले व्याख्या करते समय हम लोग क्या लिखते हैं, संकेत। तो देखिए, सबसे पहले संकेत, और संकेत में क्या लिखेंगे कि जिस पद की आप व्याख्या कर रहे हैं उसका प्रारंभिक शब्द और अंतिम शब्द। देखिए, प्रारंभिक शब्द क्या है, मेरे उपवन में, मेरे उपवन में, और इसके बाद में डॉट 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 करके क्या लिखना है, द्रग जल में, द्रग जल। ये आपका क्या हो गया, संकेत। फिर आता है आपका संदर्भ एवं प्रसंग। देखिए, संदर्भ एवं प्रसंग, देखिए संदर्भ और प्रसंग में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यखंड या प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी काव्य के द्विवेदी युग के राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य साकेत के अष्टम सर्ग से अवतरित है या उद्धृत है। और इन पंक्तियों में या इस पद में छीण काय जो उर्मिला की दिन दशा को देख करके लक्ष्मण एकदम स्तब्ध हो जाते हैं, तो उर्मिला उनको चकित होकर के देख करके, चकित देख करके कहती हैं, क्या कहती हैं। तो फिर आती है आपकी, इसके बाद में क्या आता है, व्याख्या। ये हो गया आपका संदर्भ और प्रसंग। इसके पश्चात में आती है व्याख्या, और व्याख्या के बाद में आता है क्या, विशेष। ठीक है, और विशेष से पहले, व्याख्या से पहले हम क्या देख लेते हैं, कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जो है वो देख लेते हैं। उपवन माने वन का एक भाग है, बगीचा। ठीक है, और वनचारी माने जंगल में विचरण करने वाला, घूमने वाला, जंगल में विचरण करने वाला। ठीक, और सौमित्र का अर्थ क्या है, लक्ष्मण, सुमित्रा के। ठीक है, तो चलिए देखिए व्याख्या कि मेरे उपवन में हरिण आज बनवारी, मैं बांध न लूंगी तुम्हें तजो भय भारी। तो उर्मिला लक्ष्मण जी को चकित होकर के देख करके कहती हैं क्या कि हे प्रियतम, तुम मेरे उपवन के हरिण हो, तुम मेरे इस उपवन के हरिण हो, किंतु उसे छोड़ करके यहां वन में विचरण कर रहे हो, किंतु उसे छोड़ करके यहां वन में विचरण कर रहे हो, घूम रहे हो, तो तुम चकित एवं भयभीत क्यों हो रहे हो, तुम चकित एवं भयभीत क्यों हो रहे हो, मैं तुमको बांधूंगी नहीं, तुम यह भय छोड़ दो कि मैं तुम्हें बंदी बना दूंगी।
इस भय से आप मुक्त हो जाइए, मैं आपको बांधूंगी नहीं, मैं आपको बंदी नहीं बनाऊंगी। तो उर्मिला के इन वचनों को सुनकर के लक्ष्मण क्या बोले, गिर पड़े दौड़ सौमित्र प्रिया पद तल में। उर्मिला के इन वचनों को, ऐसे वचनों को सुनकर के लक्ष्मण दौड़ करके अपनी प्रियतमा उर्मिला के चरणों में गिर पड़े। वह भीग उठी प्रिया चरण धरे द्रगदल। तो लक्ष्मण के नेत्रों से इतने अधिक अश्रु गिरे, इतने अधिक अश्रु गिरे कि उर्मिला के चरण जल में ही रखे हुए दिखते थे, मानो कि उर्मिला के जो चरण हैं, पैर हैं, वो जल में रखे हुए हैं। और उर्मिला प्रीतम के आंसुओं से भीग गई। ठीक, देखिए दोबारा देखिए कि मेरे उपवन में हरिण आज बनवारी, मैं बांध न लूंगी तुम्हें तजो भय भारी। उर्मिला कहती है कि हे प्रियतम, तुम मेरे उपवन के हिरण हो, किंतु उसे छोड़कर के यहां वन में आप विचरण कर रहे हो। तुम चकित एवं भयभीत क्यों हो रहे हो, परेशान क्यों हो, मैं तुमको बांधूंगी नहीं, तुम यह भय छोड़ दो, इस भय से मुक्त हो जाओ कि मैं तुम्हें बंदी बना लूंगी। गिरे पड़े दौड़ सौमित्र प्रिया पद तल में, वह भीग उठी प्रिय चरण धरे द्रग जल में। उर्मिला के ऐसे वचनों को सुनकर के, ऐसे कथन को सुनकर के लक्ष्मण दौड़कर प्रियतमा उर्मिला के चरणों में गिर पड़े। और लक्ष्मण के नेत्रों से इतने अधिक अश्रु जलधारा हुई, इतने अश्रु गिरे, इतने आंसू गिरे कि उर्मिला के जो चरण जल में ही रखे हुए दिखते थे, मानो ऐसा लगता है कि उर्मिला के चरण जल में ही, जल के अंदर दिख रहे थे, जैसे जल में हो, जल के अंदर उर्मिला खड़ी हो। और उर्मिला प्रियतम के आंसुओं से भाव विभोर हो गई, एकदम भीग गई। ठीक, चलिए देखिए विशेष। विशेष नंबर एक, उर्मिला के कथन में मर्म स्पर्शी करुणा है, मर्म स्पर्शी करुणा है। नंबर दो, अनुप्रास एवं रूपक अलंकार का प्रयोग है। नंबर तीन, भाषा सरल एवं सहज है। ठीक, ये आपका विशेष हो गया। चलिए देखिए आगे इसके कि वन में तनिक तपस्या करके बनने दो मुझको निज योग्य, भाभी की भगनी तो मेरे अर्थ नहीं केवल उपभोग्य। हे स्वामी कहा था क्या क्या, कह न सकी कर्मों का दोष, पर जिसमें संतोष तुम्हें हो मुझे उसी में है संतोष। देखिए सबसे पहले क्या लिखते हैं, संकेत। तो देखिए संकेत में क्या लिखेंगे कि वन में तनिक तपस्या, वन में तनिक, ठीक, डाट डाट करके क्या लिखेंगे, है संतोष। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, संकेत। फिर आता है संदर्भ एवं प्रसंग। तो संदर्भ और प्रसंग में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्य खंड या प्रस्तुत पद या प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक आधुनिक हिंदी काव्य के राष्ट्रकवि
मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य के अष्टम सर्ग से अवतरित है और इस पद में या इन पंक्तियों में लक्ष्मण के त्याग और तपस्वी जीवन की प्रशंसा कर रहे हैं लक्ष्मण जी। और आगे कि उर्मिला एक समर्पित पत्नी है जो लक्ष्मण की इच्छा के ही में ही अपने सुख का अनुभव करती है कि जो लक्ष्मण को अच्छा है वही और उनकी पत्नी उर्मिला को अच्छा है, उनके संतोष में ही उन्होंने संतोष है। इस प्रकार की बातें इस पद में बताई गई। ठीक, तो देखिए फिर आती है आपकी क्या व्याख्या, और व्याख्या से पहले कुछ जो कठिन शब्द है वो देख लीजिए, अर्थ उपभोग्य का अर्थ होता है उपयोग की वस्तु, उपयोग की वस्तु, और भगिनी माने क्या होता है बहन। ठीक है, और ये आपके कुछ कठिन शब्द हैं। और चलिए देखिए आगे व्याख्या कि वन में तनिक तपस्या करके बनने दो मुझको निज योग्य। यहां लक्ष्मण के उर्मिला के, यहां लक्ष्मण जो है उर्मिला के त्याग एवं तपस्वी जीवन की प्रशंसा कर रहे हैं। तो देखिए व्याख्या में कि वन में तनिक तपस्या करके बनने दो मुझको निज योग्य। हे प्रिय, लक्ष्मण जी कहते हैं उर्मिला से कि हे प्रिय तुम मेरी पूज्य भाभी की बहन हो, बनने दो मुझे योग्य। भाभी की भगनी तुम मेरे, हे प्रिय तुम मेरी भाभी की बहन हो, भगनी मतलब बहन यानी सीता जी की छोटी बहन या देवरानी मतलब बहन, तुम मेरी पूज्य भाभी जी की बहन हो, तुम उन्हीं के समान त्यागमयी और श्रेष्ठ गुणों से युक्त हो और अभी मैं तुम्हारे योग्य नहीं, मैं तुम्हारे समान योग्य नहीं हूं, इसलिए अर्थ नहीं केवल उपभोग्य। बनने दो मुझको निज योग्य, अर्थ नहीं केवल उपभोग्य, इसलिए तुम मेरे लिए भोग की वस्तु, उपभोग की वस्तु न होकर के पूजा और आराधना का आदर्श हो, इसलिए मुझे कुछ दिनों तक, कुछ समय तक वन में तपस्या करके अपने योग्य बनने बन लेने दो, आप अपने योग्य मुझे बन लेने दो। ठीक, चलिए देखिए आगे कि हे स्वामी कहा था क्या क्या कह न सकी कर्मों का दोष, पर जिसमें संतोष तुम्हें हो मुझे उसी में है संतोष। आगे कहते हैं उर्मिला कि उर्मिला के हृदय से करुण वेदना की एक आह निकल जाती है और वो कहती हैं क्या कि हे स्वामी कहा था क्या क्या, कि हे स्वामी मैंने आपसे क्या क्या कह, मैं आपसे क्या क्या कहना चाहती थी कह न सकी कर्मों का दोष, परंतु यह मेरे भाग्य का ही दोष है, मेरे भाग्य का, मेरे किस्मत का ही दोष है कि मैं कुछ भी नहीं कह सकी, कह न सकी कर्मों का दोष, मेरे कर्मों का ही, मेरे भाग्य का ही दोष है कि मैं कुछ भी नहीं कह सकी, पर जिसमें संतोष तुम ही हो मुझे उसी में है संतोष, परंतु अब तो मुझे उसी में संतोष है जिसमें कि तुम्हें सुख और संतोष हो, जिसमें आपको शांति सुख मिले मुझे भी उसी में संतोष है। ठीक, चलिए दोबारा देख लीजिए कि वन में तनिक तपस्या करके बनने दो मुझको निज योग्य, भाभी की बगनी हो तुम मेरे, अर्थ नहीं केवल उपभोग्य। हे प्रिय, लक्ष्मण कहते हैं उर्मिला से कि हे प्रिय तुम मेरी पूज्य भाभी की बहन हो, सीता जी की बहन, देवरानी मतलब बहन हो, तुम उन्हीं के समान त्यागमयी और श्रेष्ठ गुणों से युक्त हो और अभी मैं तुम्हारे योग्य नहीं हूं, तुम्हारे समान योग्य नहीं हूं, इसलिए तुम मेरे लिए भोग की वस्तु ना हो करके, अर्थ नहीं केवल उपयोग,
उपभोग। तुम मेरे लिए एक उपभोग की वस्तु न हो करके पूजा और आराधना का आदर्श हो, इसलिए मुझे कुछ दिनों तक वन में तपस्या करके अपने योग्य मुझे बनने दो। हे स्वामी, कहा था क्या क्या, कह न सकी कर्मों का दोष, पर जिसमें संतोष तुम्हें हो मुझे उसी में है संतोष। आगे उर्मिला कहती हैं क्या कि उर्मिला के हृदय से एक करुण वेदना की आह निकल जाती है और कहती हैं क्या कि हे स्वामी, मैं आपसे क्या क्या कहना चाहती थी, परंतु मेरे भाग्य का दोष है, मेरे कर्मों का दोष है कि मैं कुछ भी नहीं कह सकी। कह न सकी कर्मों का दोष, मेरे कर्मों का दोष है, मेरे भाग्य का दोष है कि मैं आपसे कुछ भी नहीं कह सकी। पर जिसमें संतोष तुम्हें हो मुझे उसी में है संतोष। परंतु अब तो मुझे उसी में संतोष है, उसी में सुख शांति है कि जिसमें कि आपको सुख संतोष हो, आपको जिसमें शांति, जिस प्रकार से आपको शांति प्रदान हो, आपको शांति लगे, सुख शांति संतोष हो, उसी में मुझे भी सुख का आनंद होगा, मुझे भी सुख का अनुभव होगा। ठीक, ये आपका व्याख्या हो गई। फिर आता है आपका विशेष। विशेष में नंबर एक, उर्मिला के त्याग और तप साधना की महिमा। तप साधना की महिमा व्यंजित है। ठीक, नंबर दो, यहां पर लक्ष्मण का आदर्श जीवन भी व्यंजित है। नंबर तीन, अनुप्रास एवं उपमा अलंकार का प्रयोग है। ठीक, इस प्रकार से आपकी ये विशेष हो गया। और अब आपका यहां से ये साकेत का जो अष्टम सर्ग है, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जो व्याख्या भाग है, वो आज से समाप्त होता है। और इस व्याख्या में जो आपको कोई अगर दिक्कत हो तो अगली क्लास में आप लोग पूछ सकते हैं, लेकिन आज से ये व्याख्या भाग मैथिली शरण गुप्त का समाप्त होता है। अगली क्लास में हम लोग अगले कवि जयशंकर प्रसाद, जो कि छायावाद युग के स्तंभकार कहे जाते हैं, प्रवर्तक कवि कहे जाते हैं, तो जयशंकर प्रसाद के विषय में पढ़ेंगे, उनके व्यक्तित्व कृतित्व के विषय में एवं उनके द्वारा रचित जो कामायनी का श्रद्धा सर्ग है उसके विषय में और उसकी व्याख्या पढ़ेंगे। तो बस आज की क्लास यहीं से समाप्त होती है। धन्यवाद।